डॉक्टर एस के कश्यप को आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर शिवेन कुमार कश्यप अभी ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन हेड एंड प्रोफेसर प्रचार एंड प्रसार विभाग जीबी पंत यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेल पन्नगर के संचालक भी हैं। इनका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। इनको सन 2015 में नेशनल कम्युनिटी रेडियो अवार्ड प्रदान किया गया। 10 से ज़्यादा हिंदी और अंग्रेजी में इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इनका कृषि प्रचार एंड प्रसार में अभूतपूर्व योगदान है। अब मैं सर से आग्रह करना चाहूँगी कि वो अपना मोटिवेशनल जो प्रेरणात्मक विचार है वो आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, वस्तुतः ये देश सत्चित आनंद स्वरूप भारत माता और इसका स्वाभिमान, इसका अभिमान, इसका सत, इसकी चित्ति, द नेचुरल बीइंग दैट एग्जिस्ट बिहाइंड एनी नेशन, किसी राष्ट्र की आत्मा की जैसे उस राष्ट्र का स्वाभिमान और उस स्वाभिमान का प्रतीक यह प्रयास जहां हम सब है पातंजलि, जो इस राष्ट्र का स्वाभिमान का प्रतीक होकर, राष्ट्र के ईमानदारी का प्रतीक होकर, राष्ट्र की उस प्रेरणा का प्रतीक होकर खड़ा हो गया, जिस प्रेरणा ने इस भारत भूमि को इस धरती का हिस्सा बनाया, जिस भारत भूमि ने इस संकल्प से इस धरती पर सांस लेना प्रारंभ किया कि इस धरती का कल्याण हो, इस पृथ्वी का कल्याण हो, धरा का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, इस कल्याण की भावना को लेकर जो देश उत्पन्न हुआ इस धरा पर, और उस देश के अभिमान का प्रतीक बनकर यह संस्थान आज विश्व में खड़ा है और दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय से आया। विश्वविद्यालय हरित क्रांति के प्रेरक के रूप में भारतवर्ष में जाना जाता है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। आपसे बेहतर कौन जानता है, देश की स्वाधीनता केवल राजनीतिक स्वाधीनता नहीं होती। जब तक स्वाधीनता अन्न से नहीं जुड़ती, जब तक यह सॉवरेंटी, फूड सॉवरेंटी नहीं बनती, जब अन्न उत्पादन की दृष्टि से देश आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक उसकी स्वाधीनता मूल्यहीन होती है। 1947 के स्वातंत्र के उपरांत जब तक देश परावलंबी रहा अन्न के मामले में, दुनिया की तरफ देखता रहा, तब तक देश का सिर नीचे झुका रहा। हरित क्रांति ने देश को दुनिया में सिर उठाकर खड़े होने का अवसर दिया और वहां से जो फूड सॉवरेंटी की कथा शुरू हुई वह आज तक आपके परिश्रम की बदौलत खड़ी है। आज इतनी बड़ी जनसंख्या होने के उपरांत भी यह देश अपने आधार पर अन्न के मामले में स्वावलंबी होकर खड़ा हुआ है। लेकिन उसके उपरांत भी अनेक सारे संकट, मुझे ईश्वर ने मौका दिया एक मनीषी के साथ काम करने का, श्रद्धेय नानाजी देशमुख के साथ मैंने वर्षों कार्य किया। मैं उनके कुछ शब्द उद्धृत करना चाहता हूं आज इस अवसर पर। वो कहते थे इस धरा के बारे में, इस धरती के बारे में, अपने देश के बारे में विचार करते हुए कहते थे कि कहां है ऐसी धरती इस सृष्टि में जहां इतने मौसम होते हैं, इतने एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स हैं, ऐसी उर्वर मिट्टी है, इतना जल है, ऐसे वन हैं, ऐसे पौधे हैं, ऐसे पक्षी पशु हैं, ऐसी जैव विविधता है, ऐसी धरती कहां मिलेगी। बोलते बोलते नाना जी की आंखों में आंसू आ जाते थे और वो कहते थे कि ईश्वर ने मुझको मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का कुछ प्रतिदान दिया जो मैं इस धरती पर आया, ऐसी ये धरती। और फिर कहते थे कि लेकिन उसके उपरांत भी यहां की संतानें अपनी धरती की उर्वरता, अपनी धरती की प्रचुरता से सीधे जुड़े हुए न होने के कारण स्वयं को अभावग्रस्त पाते हैं। और वो कहते थे एक क्षण अपनी धरती के स्वत्व से जुड़ जाओ तो महसूस करोगे कि यह धरती अपने आप में ऐसी प्रचुर है कि तुम्हें सभी अभावों से मुक्त कर देगी। आज हम जब सब पूरे देश से मिलकर यहां आए हैं, एक संकल्प का हिस्सा बनने आए हैं, यह संकल्प बहुत बड़ा इसीलिए है कि देश में कृषक कृषि से विमुख हुआ जाता है। आज यहां इतने सारे युवाओं को देखकर मन गदगद होता है
चूंकि जब डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कुछ वर्ष पहले एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं चेन्नई में, तो उस पूरे कार्यक्रम का भाव यह होता है कि देश के युवा कृषि से वापस कैसे जुड़े। युवा उन्मुख होते नहीं, कृषि से छूटते जाते हैं। आज कृषि को अलग दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। इस देश की धरा पर कृषि फिर से पनपे, अलग दृष्टिकोण के साथ पनपे, कृषि व्यवसायिक होकर पनपे, कृषि उन मूल बिंदुओं को लेकर खड़ी हो जैसे वनौषधियां हैं। अगर यह वनौषधियों का जो अभी जिस प्रकार पूज्य स्वामी जी ने और पूज्य आचार्य जी ने विषय रखा, ये वनौषधियां यदि इस देश की धरती पर जहां से यह मूल रूप से निश्चित होती आई हैं, अगर ये पूर्णतः पूरे देश में हम सबके प्रयासों से लहलहा उठे, तो ये देश पूरी दुनिया के समक्ष एक विकल्प देने देने वाला देश बनकर खड़ा हो जाएगा। जो ज्ञान विज्ञान इस देश से विश्व में गया और एक क्षण को यह ज्ञान विज्ञान की गंगोत्री सूखने जैसी लगी, आज फिर से लहलहा पड़ी है पूरे देश में, वो यहां के प्रयासों से हुई है। और उसी लहलहाट में जिस भागीरथ प्रयास के कारण यह सब कुछ हो पाया, उस भागीरथ प्रयास का हिस्सा बनने को हम सब हाथ में हाथ जोड़कर एक साथ कार्य करने को यहां पर एकत्र हुए हैं। आज इस भूमि के इस प्रयास की जो मांग है, वह मांग यह कहती है कि हम अपने जीवन के ध्येय को पुनर्परिभाषित करें, कृषि के बारे में अपने दृष्टिकोण को पुनः परिभाषित करें, मिट्टी से अपने जुड़ाव को पुनः परिभाषित करें और अपने भविष्य की कथा को पुनः परिभाषित करें। अगर इस प्रकार से व्यापक सम्यक दृष्टिकोण से स्वयं को देखेंगे, इस धरती को देखेंगे, इस अभियान को देखेंगे और इस अभियान के औचित्य को देखेंगे, तो समझ में आएगा कि वस्तुतः केवल सब्सिस्टेंस, केवल लाभ हानि से बढ़कर इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। अगर वस्तुतः मन में कहीं उन क्रांति पुरुषों की कथाएं कहीं सुगबुगाती है, तो यह अभियान वास्तव में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र को कुछ देने की मन की प्रवृत्ति से जुड़ने वाला अभियान हो जाएगा, जो आपके धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति करने में सक्षम होगा। आज इस अवसर पर हम सब एकत्र होकर एक बड़े अभियान के साथ बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो व्यापक शक्तियां जो देश की जड़ों में घुसकर किसी प्रकार से देश की जड़ों को जर्जर करने का प्रयास करती हैं, उनके विरुद्ध एक बड़ी शक्ति बनकर खड़े हो पाएंगे। इसीलिए आज का यह अभियान, हालांकि है तो मेडिसिनल प्लांट्स के प्लांटेशन से संबंधित है, तो वनौषधियों के उपयोग से संबंधित, लेकिन इसके अधिष्ठान, इसके इंपैक्ट्स, इसके आफ्टर इंपैक्ट्स इसको देखेंगे तो वह अत्यंत व्यापक है, जो शायद आज अपनी दृष्टि से ना दिखे, लेकिन आने वाले कल हम सब उसका हिस्सा बनने का सौभाग्य और सम्मान जरूर प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को भी इसका संतोष होगा। मैं पतंजलि के साथ, इस पूरे अभियान के साथ अपना आभार का शब्द व्यक्त करता हुआ कि मुझे आज यह अवसर हुआ कि इस अवसर पर मैं पूज्य स्वामी जी के समक्ष, पूज्य आचार्य जी के समक्ष और आज आप सबके समक्ष ये प्रारंभिक दो शब्द कहने के योग्य स्वयं को पा सका। एक बार फिर से पंतनगर विश्वविद्यालय की 10,000 एकड़ भूमि और पंतनगर विश्वविद्यालय का संकल्प, जो इस भूमि के साथ जुड़ा, इस प्रकल्प के साथ जुड़ा है, और हर प्रकार से विश्वविद्यालय इस पूरे प्रकल्प के साथ जुड़कर सन्नद्ध होकर हर प्रकार से कार्य करने को तत्पर होगा, ये पंतनगर विश्वविद्यालय के भाव को और अपने संकल्प को आप सबके समक्ष दोहराता हुआ एक बार पुनश्च पुनश्च अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं हमारे बीच चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर राष्ट्रीय औषधि पौधा बोर्ड की मैडम शोमिता विश्वास मैम हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को परिचय कराना चाहूंगी। शोमिता विश्वास मैम 1988 की IFS बैच की कैडर रही हैं और इन्होंने 4 अगस्त 2015 को नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ज्वाइन किया। एक वर्ष के कार्यकाल में मैडम ने भारतवर्ष में औषधि पौधों के विकास में नए आयामों की स्थापना की है। इनमें मुख्यतः जड़ी बूटियों के विपणन तथा मार्केटिंग संबंधी कार्य सराहनीय है। इनके मार्गदर्शन में कई क्रेता विक्रेता सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, जिनमें पूरे भारतवर्ष से किसान, ट्रेडर्स तथा दवा निर्माताओं के बीच एक संवाद स्थापित हुआ।
श्रीमती सोमिता विश्वास जी के मार्गदर्शन में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य कृषि बाजारों में जड़ी बूटियों का विपणन करने हेतु एक सर्वसम्मति बनी। मैडम जी के मार्गदर्शन में ही आने वाले 20 अगस्त 2016 को जयपुर में एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें भारतवर्ष से किसान, जड़ी बूटी व्यापारी एवं दवा निर्माता जो हैं वो भाग लेंगे। और मैडम जो आज हमारे बीच में यहाँ पे उपलब्ध हैं, बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने हमारे सभी वक्ताओं को यहाँ पे बुलाया है। तो मैडम आज हमारी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड की जो परियोजनाएं हैं, जो आप किसान भाइयों के लिए बनी है भारत सरकार के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, तो उनकी जो परियोजनाएं हैं जो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के थ्रू ये इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उनके बारे में मैडम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हाँ, पतंजलि में हम हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड और नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड, जैसे कि आपको पता होगा कि ये आयुष मिनिस्ट्री का एक भाग है, और जहाँ तक आयुष का जो अगर आप फुल फॉर्म देखें, आयुष ए आयुर्वेद के लिए होता है, वाई योगा के लिए होता है, यू यूनानी के लिए होता है, एस सिद्धा के लिए होता है, एच होम्योपैथी के लिए होता है। एक छठा आयाम और भी जुड़ गया है, उसे सोवा रिग्पा बोलते हैं, जो हमारे हिमालय जो एकदम ट्रांस हिमालयन जो रीजन है हमारे देश का, वहाँ पर ये चिकित्सा इंडियन, ये भी भारतीय चिकित्सा पद्धति है, वो भी उसका भी समावेश अभी आयुष मिनिस्ट्री में किया गया है। जैसे आप लोगों को विदित होगा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आयुष को एक अलग फोकस मिला है, जबकि अलग मिनिस्ट्री का अलग मिनिस्ट्री बनाई गई आयुष की। उसके साथ साथ नेशनल मेडिसिनल प्लान बोर्ड के ऊपर भी काफी अच्छा मैंने प्रकाश में आ गया। तो जब मैं आयुष की बात करती हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा दूसरे जो इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, तो उनमें भी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, तो उसमें थोड़ा सा दृष्टिक्षेप आप लोगों की जानकारी के लिए देना चाहूंगी कि करीब करीब ये जो छह सिस्टम्स हैं जिसके लिए हमारी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल होता है, तो उसमें सबसे करीब करीब 2400 से अधिक जो है, वैसे तो आचार्य जी जैसे बोलते हैं सभी पौधों में कुछ ना कुछ औषधीय गुण होते ही हैं, लेकिन जो कि इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है हमारी, जो वो करीब करीब 2400 औषधीय पौधे हैं, और उसमें 1500 से अधिक आयुर्वेद के लिए इस्तेमाल होते हैं, 1000 से अधिक सिद्धा के लिए होते हैं, और 500 करीब यूनानी के लिए होते हैं, 250 के करीब सोवा रिग्पा के लिए होते हैं, और 450 के करीब होम्योपैथी, और बाकी जो है 200 के करीब वेस्टर्न, उसके लिए भी कुछ कुछ इस्तेमाल होते हैं जड़ी बूटियां। हमें कभी कभी लगता है कि वेस्टर्न उसमें नहीं होते हैं, लेकिन वहां भी होते हैं। तो ये ओवरऑल जो हमारा जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई जो अपनी इंडियन मेडिसिन सिस्टम है, या जहाँ पर औषधियों का व्यवहार होता है, वो ये है। और हमारी नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, कौन कौन हैं, कड़ी हैं, एक क्या बोलना चाहिए, चेन है, जिस चेन में कौन कौन आते हैं, जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी और अनुसंधान केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र के कुछ तज्ञ व्यक्ति भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, फॉरेस्टर्स हैं, किसान हैं, इसके बाद ट्रेडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उसके बाद रिटेलर्स हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो लोग इस प्रोड्यूस का इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, या न्यूट्रासिटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो जो हम सब लोग, तो ये एक कड़ी है, और इसमें हर कड़ी जो है इम्पॉर्टेंट, ये एक चेन है, इसमें हर कड़ी जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर एक दृष्टिक्षेप करें,
तो जैसे स्वामी जी ने भी उनके उसमें बोला है, ये तो पतंजलि का उन्होंने कहा कि कैसे पतंजलि का जो जो व्याप है वो बढ़ता चला जा रहा है, कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इंटरनेशनली भी जब हमने मंत्रालय बनाया, आयुष मंत्रालय बनाया, एक मकसद तो ये भी है ना कि लोगों को इंटरनेशनली पता चले कि है ये हमारी इंडियन सिस्टम है और उसमें हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका WHO जिसे बोलते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने भी बोला है कि 2050 तक इसका जो उत्पादन जो है ना, अमेरिकन डॉलर्स में अगर हम कहा जाए तो 5 लाख करोड़ करीब हमारा जड़ी बूटियों से रिलेटेड सारा ये होगा, जो कि उसको अगर हम बैक कैलकुलेशन करें तो हर साल करीब करीब 7% के हिसाब से हमारा बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए। अब पतंजलि के प्रगति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हमारी डोमेस्टिक जो रिक्वायरमेंट ही इतनी है, तो हमें क्या बोलना चाहिए, एक वॉर फुटिंग पे एक अभियान के तौर पे जड़ी बूटियों के उत्पादन पर हमको जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं पतंजलि का इस अभियान की शुरुआत के लिए बहुत अभिनंदन करूंगी कि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में फार्मर्स को, किसानों को यहाँ पर उपस्थित किया है इस अभियान की शुरुआत में। हम ये अभियान करने ही वाले हैं 20 अगस्त से, लेकिन आपने शुरुआत कर दी, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा जो है, क्योंकि हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और अल्टीमेटली उद्देश्य सबका एक ही है, देश की प्रगति है। देश की प्रगति तब होगी जब लोग स्वस्थ रहेंगे और हम सब मिलकर काम करेंगे, चाहे वो पतंजलि हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे किसान हो, चाहे रिसर्चर्स हो, कोई भी इस लिंक से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सबको एक ही उद्देश्य से काम करना है तो फिर कोई, मेरे ख्याल से कोई मुद्दा रह नहीं जाता है। तो इसीलिए शायद मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ उपस्थित हूँ। एक बड़ी रिसेंट हमने एक स्टडी करवाई थी कि आखिर पिछले एक दशक से या उससे भी आगे से जड़ी बूटियों की खेती हो रही है, हम लोग कंजर्वेशन के परियोजनाएं भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं देश भर में, ऐसा पाया गया जो कि पहले एक ऐसा मानना था और सही भी था कि 80% जो है वो जंगलों से आता है जड़ी बूटी और 20% जो है कृषि क्षेत्र से आता है। लेकिन अब जो है उसका जो पूरी सिनेरियो बदल चुकी है। अब जो रिपोर्ट हमारे पास आया है, पिछले 10-15 दशकों में ये बदलाव आया है, अब ये 50-50% हो गया है, जो कि बहुत एक अच्छी प्रगति है मेरे हिसाब से, कि इसमें किसान भाइयों का योगदान बहुत बड़ा रहा है, इसमें सरकार का योगदान भी रहा है, इसमें जितने भी, जो मैंने बोला ना कड़ी में जितने भी लोग हैं सबका योगदान रहा है, जिसकी वजह से ये प्रगति हुई है कि 50%। इससे हमको मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो पहले हमें ऐसा लग रहा था कि जो हमारे जंगल हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेड हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जंगलों से जो प्रजातियां लुप्त प्राय हो जा रही थी, तो उससे प्रेशर थोड़ा कम ज़रूर हुआ होगा तभी, क्योंकि इतना प्रतिशत हमारे कल्टीवेशन या कृषि क्षेत्र में अगर जड़ी बूटियों का उत्पादन हो रहा है तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। स्वामी जी ने ऑलरेडी उन्होंने दृष्टिक्षेप किया है कि पतंजलि जो कि एक बहुत बड़ा एक उनका जो यूनिट्स यहाँ चल रहे हैं उनकी डिमांड क्या है। इसके अलावा भी आप लोगों की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जो कुछ 10 जो प्रजातियाँ हैं जिसकी खपत काफ़ी ज़्यादा है हमारे देश में, वो जो हमने स्टडी की थी उसमें है एलोवेरा, बिल्कुल सही स्वामी जी के से भी हिसाब से भी बहुत सही है, आंवला है, इसबगोल है, पुदीना है, हरड़ है, अश्वगंधा है, गिलोय है, गोल्थेरिया है, नीम, तुलसी, ये भी है तो बहुत सारी, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि सबसे ज्यादा खपत पहले 10 अभी रिसेंट वाली जो आई है स्टडी उसमें ये आ गया है, क्योंकि अभी हम आयुर्वेद की चाय को बहुत प्रमोट कर रहे हैं ना। अच्छा, तो अभी जितना तुलसी की जरूरत है उससे उसकी 50 गुना बढ़ जाएगी। तो ये जो लिस्ट है ना, ये मैं कहूँगी ये डायनेमिक है,
ऐसा नहीं कि ये 10 प्रजातियां हैं इसी पर आगे काम होने वाला, ऐसा नहीं है। आज की स्थिति में इन पे काफी इसकी डिमांड है। एनएमपीबी की स्थापना जब हुई थी 2000 साल में हुई थी, छोटा सा एक कक्ष बना था, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष मिनिस्ट्री ऑफ उस तब की मिनिस्ट्री ऑफ स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय में एक छोटा सा कक्ष हुआ करता था। तो उसका धीरे धीरे व्याप बढ़ा और बोर्ड की स्थापना हो गई। बोर्ड की स्थापना का मूल उद्देश्य यही था कि जड़ी बूटियों से संबंधित जितने भी समन्वय के काम हो उसको बढ़ावा मिले और उस पर अनुसंधान हो, इन सब और उनकी मार्केटिंग हो, उनका कृषि हो, इन सब बातों को एक प्लेटफॉर्म पे एनएमपीबी ला सके। उनसे जुड़े हुए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं और जितने भी मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा वो आगे बढ़ा सके। ये मेन इसका उद्देश्य था एनएमपीबी की स्थापना के पीछे। और आज के स्थिति में हमारी मेन जो है दो परियोजनाएं चल रही हैं। एक है जिसे बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी है नेशनल आयुष मिशन जो 2014-15 से शुरुआत हुई है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हम 100% उसमें हम लोग एड देते हैं स्टेट एजेंसीज को, एनजीओस को या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को। उसमें मेन हमारा यही रहता है कि जैसे पहले वक्ताओं ने भी बोला कि कंजर्वेशन, संवर्धन, अपने मूल परिसर में औषधीय पादपों का संवर्धन और मूल परिसर से थोड़ा बाहर भी उसका संवर्धन हम कर सकते हैं। ये दोनों एस्पेक्ट्स पे हम लोग सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत सपोर्ट करते हैं। उसमें सभी ऑर्गेनाइजेशन जिनको भी औषधीय पादपों पे काम करने की इच्छा है वो कहीं ना कहीं तो इसके कंपोनेंट्स, इनके घटकों में प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके जो स्टेट मेडिसिनल प्लान बोर्ड हैं उनके थ्रू हमारे पास आप भेज सकते हैं। यहाँ पर किसान भाई हैं तो उनसे जुड़ी हुई स्कीम के ऊपर मैं ज्यादा दृष्टिक्षेप करना चाहूंगी। तो हमारा एक नेशनल मिशन फॉर मेडिसिनल प्लांट, ये शुरुआत हुई थी 2008-09 में, जो कि अब आयुष मिशन में उसका क्या बोलते हैं विलीनीकरण हो चुका है आयुष मिशन। तो आयुष मिशन में दूसरे घटक भी हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, हॉस्पिटल्स भी है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स भी हैं और उसी का एक भाग जो है मेडिसिनल प्लांट्स कंपोनेंट भी है। और उसमें हम कल्टीवेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, कल्टीवेशन मतलब कृषिकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसके सारे जितने भी घटक हैं उन सब के लिए सपोर्ट है। बैकवर्ड लिंकेजेस की बात करें तो आप क्या कहते हैं मॉडल नर्सरी ले सकते हैं जो कि 4 हेक्टेयर, कम से कम 4 हेक्टेयर की होनी चाहिए, जिसमें अगर वो सार्वजनिक क्षेत्र में है तो 25 लाख रुपए का उसमें सपोर्ट मिल सकता है और अगर वो प्राइवेट है तो 25 लाख में से 50% प्राइवेट एजेंसी को करना पड़ेगा और 50% गवर्नमेंट दे देगी। इसके अलावा छोटी नर्सरीज, लघु पौधशाला भी आप लोग हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, कम से कम 1 हेक्टेयर की होनी चाहिए उसके लिए। हम जो अब पौधे तो बहुत सारे हैं, एनएमपीबी जिन पौधों को सपोर्ट कर रहा था, जिन जड़ी बूटियों को सपोर्ट कर रहा है, तो उसकी हमने प्रायोरिटाइजेशन किया क्योंकि सभी को रिसोर्सेज तो सीमित हैं, तो सबको सपोर्ट, सभी पौधों को सपोर्ट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं था। तो इसीलिए एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई गई। प्रायोरिटी लिस्ट किस आधार पर बनाई गई? इस आधार पर बनाई गई कि जो प्रजातियां जंगलों में लुप्त होती जा रही हैं या कम होती जा रही हैं वो, और दूसरी जो कि आयुर्वेद इंडस्ट्री को चाहिए, जो कि बहुत डिमांड में है, ऐसे दो क्राइटेरिया को रखते हुए 140 की सूची हमने बनाई।
जिसमें आरईटी रेयर एंडेंजर्ड एंड थ्रेटन स्पीशीज बोलते हैं, आरईटी लिस्ट, आप लोगों को भी शायद इस टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होगा। और ये 140 की जो सूची है, ऐसा नहीं है कि ये भी डायनामिक है, अगर आपको किसी को भी ऐसा लगता है कि नहीं इसमें इस प्रजाति का भी समावेश होना चाहिए, इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, तो आप कंसर्न जो स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन या स्टेट मेडिसिनल प्लांट मिशन के स्टेट मेडिसिनल प्लांट के बोर्ड के तरफ से अगर हमारे पास वैसा रिकमेंडेशन आए तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो जो हम सब्सिडी देते हैं इन पौधों के लिए वो 75% से 30% तक है 140 की लिस्ट में। समर्थन केवल इसीलिए है कि इसको थोड़ा बढ़ावा मिले। कई बार क्या होता है, अगर कोई किसान अपने ही तरफ से कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि स्थिति तो वही आ जानी चाहिए कि सब्सिडी की जरूरत ही ना हो, आइडियल सिचुएशन तो वही आना चाहिए, वही हमारा मकसद है। लेकिन यही है, बढ़ावा दिया था इसीलिए 20% से आज 50% कृषि के अंतर्गत जड़ी बूटियों का कृषिकरण हो रहा है, तो ये इसका प्रतिफल भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह से 140 की लिस्ट है, वो 140 की लिस्ट हमारी वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, जिसमें आपको सब्सिडी मिल सकती है।